मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आइए मैडम जी आइए, आज मेरे घर में कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए मैं बैंक से आई हूँ, आप अपने बच्चे को MBBS करवाइए, MBA करवाइए या इंजीनियरिंग करवाइए। मैडम जी बच्चा जो है वो तीनों कोर्स एक साथ कैसे करेगा? देखिए अगर आप अपने बच्चे को MBA करवाना चाहते हैं तो उसे MBA करवाइए, फीस के पैसे हमारा बैंक देगा। अच्छा बैंक देगा जी, कैश में देगा या चेक में देगा? देखिए ये तो कॉलेज वाले ही बताएंगे, लेकिन ये सोचिए कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, अच्छा क्यों नहीं होगा? मैडम जी आप मुझे बताओ, वो दांतों का डॉक्टर बनेगा या हार्ट का? देखिए वो क्या बनेगा ये तो आपका बच्चा ही बताएगा, लेकिन हमारे बैंक का काम है उसे एजुकेशन लोन देना ताकि वो अपने कोर्स की फीस भर सके। आपकी फोटो, आपके बच्चे की फोटो और खाते की स्टेटमेंट लगेगी। ये खाते वक्त स्टेटमेंट कौन बनाता है मैडम जी? मेरा मतलब है बैंक के खाते की स्टेटमेंट लगेगी। बैंक में खाते की? पर मैंने तो कभी बैंक में खाया ही नहीं खाना। मेरा मतलब है कि बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें आप पैसे रखते हैं। पैसे तो घर में रखते हैं अलमारी में। अलमारी में पैसे रखने के लिए आप कहाँ से निकालते हैं? जेब से निकाल के अलमारी में रख देते हैं। देखिए आप मजाक मत कीजिए प्लीज, ये आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। लो बच्चे के भविष्य के सवाल का जवाब आज कैसे दे दूं? अरे जाके अपने बच्चे से पूछो। मैडम कमाल करती हो, बच्चे से तो जब पूछूंगा जब वो पैदा होगा ना। इसका मतलब बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ? नहीं पहले शादी तो होने दो मैडम। हे भगवान, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ, तो फालतू में मेरा टाइम क्यों खराब किया? मैडम आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे एजुकेशन लोन दोगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मैं तुझे कहूंगी कि तू कुएं में पड़ जा तो तू कुएं में पड़ जाएगा क्या? मैडम जी कुआ जो है वो तेल का है या पानी का? हे भगवान, ये कैसा आदमी गले पड़ गया सुबह सुबह। मैडम जी क्यों मजाक कर रहे हो, आपके गले में मैं नहीं चुन्नी पड़ी है। तू चुप हो जा वरना इसी चुन्नी से ना मैं अपना गला घोट लूंगी, समझा? अरे मैडम जी गला घोटोगी तो सांस कैसे लोगी? तू मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे। पानी गर्म लोगे या ठंडा? ठंडा ही दे दे। पियोगी या मुंह धोगी? मम्मी लो इतनी छोटी सी बात के लिए रो के मम्मी से पूछने का क्या मतलब हुआ? भाइयों कोई मुझे बताएगा ये चाइनीज खाने को हिंदी में कैसे खाते हैं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं अगर उसमें किसी भी कारणवश हमारी वजह से आपका दिल दुखता है या हमसे किसी भी तरह की गलती होती है तो प्लीज़ हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ कीजिएगा। और भाइयों मैं जो ये शराबी का किरदार आपके लिए निभा रहा हूँ केवल मात्र मनोरंजन के लिए। शराब पीना सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, इससे घर उजड़ते हैं, शराब का सेवन ना करें। धन्यवाद।